बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ, जो कि बोरिस जॉनसन से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव जीता, अपने पद पर बने रहेंगे बोरिस जॉनसन, और जॉनसन के समर्थन में 211 और विपक्ष को 148 वोट मिले। उनकी पार्टी के सांसदों ने पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। बोरिस जॉनसन का 6 महीने का कार्यकाल बाकी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। यह अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने पेश किया था। कल हुए मतदान में बोरिस जॉनसन के समर्थन में 211 और विपक्ष में 148 वोट मिले। ऐसे में 63 वोटों से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। अगर इस दौरान बोरिस जॉनसन हार जाते तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाता। हालांकि बोरिस जॉनसन का कार्यकाल अगले 6 महीनों में खत्म हो रहा है। ऐसे में जीत के बावजूद भी वह सिर्फ दिसंबर तक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे। जॉनसन पिछले कई दिनों से पार्ली गेट मामले के निशाने पर थे। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन पर सरकारी इमारतों में नियमों के उल्लंघन सहित कई मामलों को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। वे लॉकडाउन में गैर कानूनी पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रैल से ही माफी मांग चुके थे। कहा था कि उन्होंने जानबूझकर नियमों को नहीं तोड़ा या संसद को गुमराह नहीं किया था। बोरिस जॉनसन ने निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि जन्मदिन के लिए केक के साथ लोगों का एकत्रित होना कोई पार्टी थी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।